इस साल का जो यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर था वो काफी ज्यादा अनफेयर था, उसमें बड़े स्तर पे गड़बड़ियां हुई। अब पेपर तो हो चुका, एग्जामिनेशन हो चुका, सिलेक्शन हो चुका, तो जिसके साथ अन्याय हुआ 2022 में वो क्या करेगा 2023? देश जितना मोदी जी का है, जितना राहुल गांधी का है, उतना ही मेरा भी है। 2014 में हम ही ने जिताया, 2024 में हमारा भी है। और अगर इस साल हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, बायकॉट कर देंगे सरकार को। नमस्कार, मैं रूपी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। तो हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर जहां पर छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। ये छात्र यूपीएससी के हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी में हो रहे गड़बड़ियों को लेकर है उनको लेकर जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। से जो है साफ तौर पर गुहार लगा रहे हैं कि मोदी जी हमारी बात सुनेंगे, लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप यहाँ जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने आए हैं किस बात के लिए? मैडम, इस साल का जो यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर था वो काफी ज्यादा अनफेयर था, उसमें बड़े स्तर पे गड़बड़ियां हुई। सीसैट का पेपर करीब करीब 29 से 30 सवाल आउट ऑफ सिलेबस पूछे, जीएस में 40 से अधिक सवालों में गड़बड़ियां हो रखी हैं। 2022 के प्रीलिम्स के आंसर की ये 2023 में देते हैं और 2023 में छात्रों को पता चलता है कि 2022 के आंसर की में 7 से 8 सवाल गलत थे। अब पेपर तो हो चुका, एग्जामिनेशन हो चुका, सिलेक्शन हो चुका, तो जिसके साथ अन्याय हुआ 2022 में वो क्या करेगा 2023? तो ये सारे मुद्दे हैं, पैंडेमिक कॉम्पनसेटरी अटेम्प्ट और इसके अलावा जो जीएस आंसर के ब्लंडर्स हैं, इन चीजों को लेकर के हमने प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा करते हैं लगातार छात्रों से। आपसे कभी बात की है यूपीएससी के छात्रों? प्रधानमंत्री जी बेशक से परीक्षा पर चर्चा करते होंगे, लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको कि प्रधानमंत्री जी ने जिन एक्सपर्ट को बिठा रखा है यूपीएससी में परीक्षा लेने के लिए, उनसे बड़े एक्सपर्ट तो ये सारे बैठे हुए हैं, ये सारे उनसे बड़े एक्सपर्ट्स हैं। अरे हर साल 7-8 सवाल, 7-8 सवाल में गड़बड़ियां, क्या मजाक है? हम लोग 1.5 साल 2-2 साल पढ़ाई करके जाते हैं, आप 7-8 सवाल में गड़बड़ियां कर देते हो। इस साल तो आपने बम ही फोड़ दिया, 40 सवाल बाहर पूछ लिया आपने। यार ये कोई मतलब क्या होता है? हमारे साथ मजाक क्यों कर रहे हो? कहने वाले कह रहे हैं कि आप पढ़ते नहीं है, जब परीक्षा नहीं निकलता तो बहाने लेकर आ जाते हैं। मैडम, इससे पहले हमारा ही निकला था, इससे पहले हम ही प्रीलिम्स निकाल करके मेंस भी लिखे थे, और इससे पहले इसमें से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी आपको दिखा दूंगा जो प्रीलिम्स निकाले हैं, मेंस लिखे भी हैं। इस साल इतना बड़ा बवाल क्यों? तो इतना बड़ा बवाल इसीलिए क्योंकि इस साल इन्होंने बम फोड़ दिया छात्रों पे, आउट ऑफ सिलेबस पूछा है। कहा जा रहा है कि अगर जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर आके, उतने देर में पढ़ाई करते तो ज्यादा बेहतर होता। पढ़ाई करके क्या कर लेंगे हम लोग, क्या कर लेंगे? 1.5 साल पढ़ाई, 3 साल पढ़ाई की पता चलता है सिलेबस में, पेपर में आउट ऑफ सिलेबस पूछ ले रहे हैं आप। अरे हम तो पढ़ते ही थे ना, मुझे आपने इससे पहले कभी किसी आंदोलन में देखा था क्या? हम लोग तो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तो ऊपर में जो रहते हैं लोग उनको नहीं पता कि हमारे नीचे में रहता हूँ, तो हम लोग तो दिन रात पढ़ाई करते हैं। वो तो निकलने के मजबूर किया तो निकले बाहर, निकलने का आपको अपने एटीएम मशीन से कोई आपने जो है अर्जी लगाना, कोई आवेदन देना सरकार से किया है? सारी अर्जियां कर दी है, आवेदन कर दिया है, पक्ष विपक्ष सबको कर दिया है, अब छात्र सड़क पे उतर। कोई रिजल्ट नहीं आया, उसका कोई आंसर नहीं आया, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारे छात्र दर्द से पीड़ित हैं, तकलीफ से पीड़ित हैं, इनको सिर्फ चुनाव में वोट बैंक दिखता है अपना। और अगर इस साल हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो मैं बता रहा हूँ आपको, पूरा यूपीएससी जो एस्पिरेंट कम्युनिटी है बायकॉट कर देंगे सरकार को, बायकॉट कर देंगे सरकार को। और डट कर कहे कि सरकार
का बायकॉट करके इलेक्शन आने वाले हैं। 2024 में इलेक्शन है ना, 2024 में बायकॉट करेंगे। 2019 में हम ही ने जिताया, 2014 में हम ही ने जिताया, 2024 में हम हरा भी। दूसरी सरकार जो आएगी क्या लगता है वो सुनेगी आपको? अब दूसरी सरकार सुनेगी नहीं सुनेगी उसके बारे में उनसे बात करेंगे। राहुल गांधी जो है मुखर्जी नगर जाते हैं और बच्चों से बात करते हैं, आपकी समस्याएं सुनी उन्होंने कुछ रिजल्ट आया? देखिए राहुल गांधी हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, सबको सियासी रोटियां सेकनी है। हम ना तो राहुल गांधी के सगे हैं ना हम नरेंद्र मोदी के सगे हैं। भैया हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे साथ अन्याय किया, हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करो, बात खत्म। आपको समझ में आ जाता है? हम ना राहुल गांधी को जानते हैं ना नरेंद्र मोदी को। एक और बड़ा बढ़िया यहां वादे तो बड़े बड़े करते हैं छात्रों के लिए, बड़े अच्छी अच्छी बातें करते हैं और सारी मन की बात में भी बात रखते हैं, तो क्या बात है कि सिर्फ ये दिखावे की बातें हैं? अरे मैं तो बोलता हूँ मोदी जी मन की बात छोड़िए, छात्र की बात करिए, छात्रों के बीच में आकर के बैठिए, हमें बुलाइए, आप हमारे बीच आइए, हमसे पूछिए कि हमें क्या तकलीफ है। आप मन की बात करते हैं, आपको जो मन में आता है वो बोल देते हैं, उसके बाद आप निकल लेते हैं। देश का भविष्य बताते हैं कि आप देश के भविष्य हैं। देश के भविष्य हम कल भी थे, हम आज भी हैं। देश को हम कल भी सराखों में लेके चलते थे, आज भी सराखों में लेके चलते हैं। लेकिन ये देश जितना मोदी जी का है, जितना राहुल गांधी का है, उतना ही मेरा भी है। इस देश में उनको यदि अपनी आवाज उठाने का हक है तो हमें भी अपनी आवाज उठाने का हक है, और हम अपनी आवाज उठा रहे हैं। जी यूपीएससी जो है वो देश का सबसे बड़ा परीक्षा माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ सेवा मानी जाती है, लेकिन इसमें जो सर्वश्रेष्ठ सेवा है उसमें ऐसी गड़बड़ी हो, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? ये एक्सपर्टीज का फेलियर है, ये एक्सपर्टीज का फेलियर है। जो यूपीएससी कहती है कि वो एक सॉवरेन संस्था है, वो एक डिवाइन इंस्टीट्यूशन है, जी नहीं, पीसीएस पे बहुत सारे इल्जाम लगे हैं, आज यूपीएससी पे भी इल्जाम लग रहे हैं। सुनियोजित तरीके से छात्रों को बाहर करने का इन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है, और वही किया इस बार। आपके बीच तो यूपीएससी ने गड़बड़ियां की हैं और की जानबूझकर की गई गड़बड़ियां। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये जानबूझकर की गई गड़बड़ियां हैं, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ये अनजाने में हुई, अनजाने में तो नहीं, कुछ तो है। क्या है ये मुझे नहीं पता। साजिश है, बिल्कुल साजिश है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें बदनाम करने की और उन्हें जो है बोल के आते हैं कि हमने टारगेट से ज्यादा छात्र बढ़ गए, उसको कम करने की साजिश है। उनको चाहिए वैसे बच्चे जो डीबीएस और एलीट स्कूल में पढ़े हों, अंग्रेजी मीडियम में पढ़े हों, तो वो जो हिंदी माध्यम है, जो क्षेत्रीय भाषा, उनको बाहर कैसे करेंगे? सीसैट में आउट ऑफ सिलेबस पूछ लो, कर चुकी है वो वाले बच्चे, क्लियर कर जाए। प्रॉब्लम क्या है हिंदी भाषी वालों से, दिक्कत क्या है? हिंदी भाषी जो छात्र होते हैं और जो क्षेत्रीय भाषी छात्र होते हैं, इन लोगों को ये लोग ऐसा समझते हैं कि इनमें स्किल नहीं होता है। जो IIT और IIM का कैंडिडेट है सिर्फ सारा स्किल उसी में है। अरे भैया हम लोग मूर्ख थोड़ी हैं, हमने इकोनॉमिक्स में शास्त्र में मैंने MA कर रखा है, मास्टर्स किया हुआ है, तो हम लोग मूर्ख थोड़ी हैं, आप बिठाओ हमारे सामने। लेकिन आप अगर मछली को बोलोगे कि पेड़ पे चढ़ के दिखाओ तो मछली तो वो टेस्ट फेल ही हो जाएगी ना। संकीर्ण सोच से ग्रसित है ये लोग बहुत बहुत बिल्कुल संकीर्ण सोच से ग्रसित। ऑनलाइन में आपके किस सवाल का जवाब आपने सुना? जो ये यूपीएससी के छात्र हैं उनका कहना है एक साजिश के तहत जो है हिंदी भाषी और क्षेत्रीय भाषा वाले जो लोग आते हैं उनके खिलाफ साजिश की जाती है। उन्हें ये लगता है कि उनका टैलेंट नहीं है, जो IIM IIT वाले हैं उसी में काबिलियत है, लेकिन ऐसा नहीं है। जमीनी हकीकत पे उतरे तो काबिलियत सब में होती है, भाषा जो है वो निर्धारित नहीं कर सकता कि ये अपने हक के लिए लड़ने नहीं आएंगे। उनके साथ साजिश तो नहीं की जानी चाहिए। पूरी बातचीत पर अपने प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन तौहीद के साथ सुनीत आवाज।